तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, ठीक है? परिचय मैं आपको कविता में देना चाहती हूँ क्योंकि मैं कवियत्री हूँ, ठीक है? कहीं सागर की गहराई, कहीं रेती के कण लाई, क्योंकि मैं गुजरात से आई हूँ ना तो उसके बारे में बता रही हूँ। वहाँ पर खमन, ढोकला, ये सब बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें होती है, आप सब मिल के आना गुजरात, ठीक है? कहीं सागर की गहराई, कहीं रेती के कण लाई, जलेबी फाफड़ा के संग खमन का स्वाद गढ़ लाई, के देहरादून वालों झूम उठो गरबे की धुन में तुम, मैं कच्ची बांधनी के फ्रेम में कविता को मढ़ लाई। क्या बात है, धन्यवाद। तो जैसा कि आज का विषय है कुछ यादें कुछ बातें जो मुझे बताया गया है। अब कुछ यादों में क्या होता है, हम नाना नानी के यहाँ जाया करते वैकेशन में, जिसके नाना नानी थोड़ा दूर रहते होंगे, वो हो सकता है किसी ग्रामीण विस्तार में रहते होंगे, उस ग्रामीण विस्तार में हम वहाँ जाते थे तो कई बार, अब यहाँ का तो नहीं पता है लेकिन जैसे हम अपने गांव जाया करते थे नानी के यहाँ पे इलाहाबाद में, तो वहाँ पे अलाव जलाया जाता था ठंडी के सीज़न में, ठीक है? हम दिवाली वैकेशन में वैसे जाते थे तो अलाव जलाया जाता, अलाव मतलब आग, आग जलाई जाती है। उस आग के आसपास आसपास नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी सब बैठते हैं, उनके बीच में हम भी बैठते हैं। कहीं हम अलाव को एक लात मार देते हैं और उसमें नसीहत मिल जाती है कि ऐसा नहीं करना, जल जाएगा। और या तो फिर हम किसी को कुछ तू तरार की बातें करते हैं, कभी भी ऐसे आपके बिना बात नहीं करते, नानी समझा देगी, या कभी हम गले मिलने लगते हैं और एक धक्का मार देते हैं कि किसी को चोट लग जाएगी। तो ये सारी नसीहतें भी मिलती थी हमको और प्यार भी मिलता था, हम उस चीज़ को जीना चाहते थे। वो भी मैं अपनी कविता के ही जरिए बताना चाहती हूँ कि वो बचपन का प्यारा सचंदा मिलेगा। मेरी कविता की बात कर रही हूँ कि मेरी कविता में वो बचपन का प्यारा चंदा भी मिलेगा और क्या मिलेगा। देखिए, वो बचपन का प्यारा सचंदा मिलेगा, वो जवानी की प्यारी चंदनिया मिलेगी, वो सर्दी की रातों में जलते अलावों को घेरी हुई एक महफिल सजेगी, जहाँ मीठे भुट्टे की बाली सिकेगी, जहाँ फिर नसीहत की भरमार होगी, जहाँ रूठना मनाना मिलेगा, जहाँ रूह से रूह की बात होगी। रूह मतलब, रूह मतलब आत्मा, अंदर जो दिल की बात होती है ना, तो दिल से दिल की बात जहाँ पे मिलेगी वो। भले ना हो घूंघट में सिमटी दुल्हनिया, मगर शर्म फिर वो पुरानी मिलेगी। भले जीन्स टॉप में भी आप हो लेकिन कम से कम किसी से तू तरह के बातें नहीं करो, अपने ससुर को उल्टा सीधा जवाब नहीं दे दो, ये सारी बातें उस जमाने की जो बातें हैं आज भी दिखेगी। वो बचपन का प्यारा सचंदा मिलेगा, जवानी की प्यारी चंदनिया दिखेगी, ठीक है? उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैंने लिखी है, वो भी कविता के माध्यम से ही आपके समक्ष ले आना चाहती हूँ। कविता कैसे बनती है, एक तुक से दूसरे तुक को मिलाते हुए कविता बनती है। जैसे अगर यादों की बात चल रही है ना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आजकल जिस इनविटेशन कार्ड मिलता है ना हम लोगों को, तो उसको बहुत सारी जरी से कलरफुल बना करके उसमें सिक्के विक्के जड़ के फिर भेज जाते हैं कि हमारे यहाँ शादी है आना। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पुराने ज़माने में ये एक इनविटेशन कार्ड होता था, इसके ऊपर हल्दी लगी होती थी, इससे पता चलता था उसके घर में जनेब है, कुमकुम लगाता था, इसका मतलब उसके यहाँ शादी है, इस तरह के कुछ संकेत दिए जाते थे, ठीक है? तो इस चीज़ को मैंने लिखा है कि भूतकाल वर्तमान काल में मचा बवाल, भूत वर्तमान काल से कहीं बड़ा था भूतकाल, भूतकाल में जो कभी न्योते की पाती आती, हल्दी और कुमकुम के टीके से सजाई जाती, न्योते की सूची में अपना भी नाम देख घर वालों की नेत्रमणियां चमक जाती, समझे? यानी जब उस न्योते में हर किसी को बुलाया या नहीं बुलाया, कभी कभी ऐसा होता है सिंगल एक आदमी को बुलाना होता है, जस्ट उसका नाम लिख दिया जाता है, आज की डेट में भी ऐसी परंपरा है। और अगर सब परिवार या फिर फैमिली लिख दिया जाए, मतलब पूरी फैमिली को आना, अगर उसमें ऐसे लिखा होता ना सारे परिवार को साथ आना है, तो बहुत घर वाले खुश हो जाए करते थे। फिर वो क्या करते हैं, नए नए वस्त्रों आभूषणों से सज धज, बिंदी लाली का जल से औरतें श्रृंगार करती। अब ये श्रृंगार किया किस लिए है कि आप मुझे देख सको कि मैंने बिंदी लाली काजल लगाया, ठीक है? लेकिन वो उसके बाद क्या करती थी,
नए नए वस्त्रों आभूषण से सज धज बिंदी लाली का जल से और श्रृंगार करती चंद्रमा समान आ भवान मुख मंडल को लज्जवान आंचल के ओट में छिपाया करती उस टाइम करके प्लीज थोड़ा और ले लो। ये मेरी तरफ से, ये गणेश जी की तरफ से, इनकी तरफ से बहुत सारा उससे अनुनय किया जाता था। तो ये सब चीजें हुआ करती थी। और आज क्या हो गया देखिए, वर्तमान काल में आडंबर के भार तले भाव और भावना का दम फूला जाता है। डोली में शर्माती हुई कन्या ना दिखाई देती, घोड़ी की जगह कार में ही दूल्हा आता है। पांत का निशान मिट गया वर्तमान में, बड़ी बड़ी होटलों में बुफे सज जाता है। बड़ी सी कतार में लिए थाल हाथ में, अफसर के संग चपरासी दिख जाता है। तो इस तरह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बच्चों, ये अगर साहित्य गोष्ठी है तो इसके विषय में ये भी बताना होगा कि इस साहित्य को का मतलब क्या है। यादें वो होती है हमारे हृदय पटल पे अंकित हो जाए, जो हमारे दिल में समा जाए, और बातें वो होती है जो उस हृदय पटल से अंकित उन यादों को निकाल करके अपने मानस पटल पे ले जा करके शब्दों और रंगों में पिरो करके आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत की जा सके, उसे कहते हैं बातें। ठीक है, तो अगर बातें हो ही रही है तो हम उसकी बातें करेंगे कि क्या है हिंदी, उसका स्थान कहाँ है आज साहित्य में। यदि हिंदी का एक अच्छा सा स्थान देखना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी हिंदी की उन्नति होना स्वाभाविक होना चाहिए। ठीक है, आज हम क्या करते हैं कि उस हिंदी को एक दासी की तरह रखा हुआ है और उस अंग्रेजी को पटरानी बना दिया है जो भारत में बाहर से आई हुई है। ठीक है, उसकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। एक साहित्यकार जो है वो अगर अपनी कलम से इतनी ताकत रखता है कि वो उस कलम से पूरी की पूरी सपना को पलटने की ताकत रखता है, वो अगर कश्मीर दिखाता है कि ये बुरा कश्मीर है, तो वहीं वो ये भी दिखाने की ताकत रखता है कि इसमें कितने रंग बिरंगे फूल हैं, इनको चुन चुन करके हम किस तरह से संजो करके एक सुंदर सा कश्मीर बना सकते हैं। ये सिर्फ एक नेता होता है जो हिंदू से मुसलमान को और मुसलमान से ईसाई को लड़ाने का काम करता है, लेकिन वास्तव में होता ऐसा कुछ नहीं है। वही जो मुस्लिम है अगर दिया बनाता है तो वो दिया पूजा में चढ़ता है हिंदू के मंदिर में। ठीक है, और अगर एक हिंदू जो है सिमाई बनाता है तो ईद की थाली में वो सिमाई जो है जाकर के सज जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान, हमको सोचना है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हमको कोई भटका नहीं रहा है।